आप सबका स्वागत है और प्रभु ने हमें फिर से जीवितों के मध्य में रखा और ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु के वचनों को पढ़ पा रहे हैं। प्रभु की आत्मा हमें प्रभु के वचनों को समझाने में लगा रहता है। सो आज इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण जो विषय है वो प्रकाशित वाक्य के दसवें अध्याय में और उसके 9 और 10 आयत में स्वयं परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, जो स्वर्गदूत खड़ा है उसके हाथ में से वो पुस्तक ले ले और खा जा, ये तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी लेकिन पेट में जाके कड़वा कर देगी। सो मैं वो हिस्सा आपके लिए पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10वां अध्याय और उसकी 9-10 आयत। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। और देखें, प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी तो प्रभु यीशु मसीह को जो है शैतान ने यही कहा, भूख लगी है, पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। प्रभु ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के हर वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और देखें, यूहन्ना को वो पुस्तक दी गई। इसके पहले यहेजकेल नबी को भी पुराने नियम में 3:1 में ये कहा गया, यहेजकेल से कहा गया, ये पुस्तक ले और इसे खा ले, ये तेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगेगी। मीठा बोलने में मीठा सारी चीजों में, लेकिन पचाने में सारी कड़वाहट। और ये आज की समस्या भी है, मसीह समाज के सारे बिलीवर्स के, बोलने में सब कुछ आसान मधु सा मीठा, लेकिन उसको पचाने में, उसके पीछे चलने में, उसको फॉलो करने में ये स्थिति। और परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर व्यक्ति इस वचन को खाए और उसको डाइजेस्ट करना सीखे। सो आगे और हमारे अध्ययन में हम देखेंगे बाइबल क्या है। सो दोस्तों, जो है परमेश्वर का वचन अभी नहीं, सिर्फ नए नियम में नहीं वरन पुराने नियम में भी, जैसा हमने देखा कि यहेजकेल नबी को कहा गया कि ये पुस्तक खा, ये तेरे पेट में कड़वी लगेगी लेकिन मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। और आज के जमाने की जो समस्या है वो ये, हम कुछ भी चीज बोल देते हैं, बोलने में बड़ा आसान लेकिन उसको फॉलो करने में इतना कड़वापन। और प्रभु हमसे यह कहते हैं, और जो है यूहन्ना बोलते हैं कि मैं उस स्वर्गदूत के पास गया और उससे कहा, मुझे वो पुस्तक दे दे। तब वो स्वर्गदूत ने वो पुस्तक मुझे दे दी और जो है वो जब मैं खा गया तो मेरे पेट में कड़वी पर मेरे मुंह में मधु सी मीठी लगी। सो दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण चीज है जो हम सबको सीखना है। और ये के प्रभु ने यही बात यहेजकेल नबी को भी कही थी कि सिर्फ जो है खाने से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से भी जो है जीवित रहा जाएगा
और यहेजकेल नबी की पुस्तक को यहेजकेल नबी में दूसरा अध्याय 3 और 4 आए। ये संदेश जो है जो इज़राइल दुष्टता की ओर आ गया था, यहेजकेल को कहा गया, उसने देखा कि एक हाथ बढ़ाया हुआ व्यक्ति जो है स्वर्गदूत उसके हाथ में जो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, तीसरा अध्याय पहली आयत, कि इस पुस्तक को ले और खा जा। और जब वो पुस्तक उसने खा ली तो उसके पेट में जो है सेहत सी लगी, लेकिन बाद में कड़वाहट से भर गया। ये वो महत्वपूर्ण चीज है। और जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, बोलने में तो बड़ा आसान, बोलने में बड़ा आसान, लेकिन पचाने में कड़वाहट, कड़वाहट। और यिर्मयाह बोलता है कि तेरा वचन जो है मेरे लिए आनंद और मेरे हृदय के लिए जो है परमेश्वर के प्रेम से भर गया। और जो है परमेश्वर का वचन ऐसा ऐसा। और जब यूहन्ना ने खाया इसे तो यूहन्ना ने जो है वो यही कहा कि वो जबान से तो मीठी लगी। लेकिन जब परमेश्वर का वचन पेट में गया, पचाने का समय आया, उस पे चलने का समय आया, तो दर्द और फिर अपचन और फिर बहुत सारी समस्याएं। और प्रभु हमसे ये चाहता है, प्रभु ने यूहन्ना के द्वारा जो है हमसे भी ये बात करना चाहता है कि दोस्तों, यूहन्ना को ये बात कही तो आज भी परमेश्वर का वचन कई लोगों को जो है कड़वाहट जैसा लगता है, कड़वाहट लगता है, और बोलते मत सुनाओ, मत बताओ, सुनने में अच्छा है लेकिन उसके पीछे चलने में वो जो है इतना कठिन। दोस्तों, सो परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को जो है वैसा ले जैसा वो स्वयं यहेजकेल से और अपने दास यूहन्ना से कहता है। और जो है जैसा हम देख रहे हैं कि न सिर्फ प्रकाशित वाक्य जो बाइबल के अंतिम पुस्तक है, लेकिन पुराने नियम में भी जो है वो ये कि परमेश्वर हमारे लिए नया नियम और पुराना नियम है, लेकिन परमेश्वर के लिए दोस्तों टोटली अलग, परमेश्वर के लिए टोटली अलग। परमेश्वर तो पृथ्वी बनने के पहले भी वही थे, पृथ्वी बनने के समय में और पृथ्वी के अंत के बाद भी परमेश्वर वही रहेंगे। परमेश्वर बेबदल है, लेकिन समय के हिसाब से, समय दिन और रात सप्ताह माह वर्ष हमारे लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं। दोस्तों, परमेश्वर के लिए नहीं, इसलिए कहा गया न कि वो न सोता है न ऊंघता है, उसके यहां रात होती नहीं। जिसने सूर्य को बनाया वो खुद इतना तेजोमय है, सारा स्वर्ग उसे उसके तेज से भरपूर है। और उसने जो बात यहेजकेल को कही वो बात यूहन्ना को कही, और वो बात आज हमें भी कहता है, वो बात आज हमें भी कहता है। क्या अप्रकाशित वाक्य जो है यहेजकेल की कॉपी है? तो मैं बोलूंगा नहीं, ये हमको ऐसा लगता है,
हमको ऐसा लगता है, जैसा मैंने अभी कहा कि समय हमारे लिए है, मनुष्य जाति के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं। सो परमेश्वर ने यदि यहेजकेल को कहा कि ये पुस्तक खा ले, तो यूहन्ना से भी कहा। यहेजकेल नहीं था उस समय, आज यूहन्ना भी नहीं है, और आज कौन है? हम उसके कलीसिया, उसके जो बेटे बेटियां कहलाते हैं वो है। तो परमेश्वर हमसे कहता है कि परमेश्वर के वचन को खाना सीखे, उसे पचाना सीखे, उसे पचाना सीखे, और जो है वो मुंह में मधु सी क्यों लगी और पेट में कड़वी क्यों लगी। परमेश्वर का वचन दोस्तों कई लोगों के लिए इतना जो है बोलने में आसान लेकिन पचाने में, उसके पीछे चलने में सारी तकलीफें दोस्तों। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को खाना सीखें। ये हमारी आत्मिक भोजन का जो है अहम हिस्सा है। और जो है हम प्रभु यीशु मसीह से सीखें। जब प्रभु को भूख लगी तो शैतान ने यही कहा कि पत्थर भी तेरे लिए तो रोटी बन जाएंगे, तू सिर्फ कह। प्रभु ने कहा कि सिर्फ दुनियावी खाने से नहीं, दुनियावी रोटी से नहीं, दुनियावी पानी से नहीं, पर मैं स्वयं वचन हूं, मैं स्वयं वचन हूं। परमेश्वर के वचन को दोस्तों खाना सीखे, उसको पचाना सीखे। और देखें यूहन्ना को ये कहा गया, ये पुस्तक ले और खा जा, ये पुस्तक ले और खा जा, तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी लेकिन तेरे पेट को कड़वा कर देगी। और यूहन्ना ने जो है उसको लेने में कोई संकोच नहीं करा, क्योंकि आवाज किसकी थी? प्रभु परमेश्वर ने कहा यूहन्ना से, वो पुस्तक ले ले और खा जा, पुस्तक ले और खा जा। जो स्वर्गदूत था उसका एक पांव जो है समुद्र पर और एक पांव पृथ्वी पर, जो है उसके हाथ में ये पुस्तक, और यूहन्ना से उसने कहा ले ले। सारी पृथ्वी पर प्रभु का दूत खड़ा हो, सब लोगों के लिए यह संदेश। पृथ्वी पर प्रभु का दूत खड़ा हुआ, खा ले उस पुस्तक को, खा ले। और यूहन्ना ने वो पुस्तक ली और खा गया। तो बिल्कुल उसके लिए वो पुस्तक मधु जैसी मीठी लगी मुंह में, तो लेकिन पचाने में इतनी कठिनाई। सो दोस्तों, परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को सीखें, उसके पीछे चलें, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, क्योंकि आप अकेले नहीं, परमेश्वर आपके साथ हमेशा आपके साथ। ले ये पुस्तक को, ले खाओ, इसे खाना सीखे। ये हमारे आत्मिक जीवन की दिनचर्या का एक हिस्सा है, एक अंग है।
इसे खाने में पीछे ना हटे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दें, आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। तो धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। पृथ्वी के लोग हैं, पृथ्वी का सा सोच है, पृथ्वी की सी भाषा है प्रभु, लेकिन जैसे भी है अपना शरीर अपना प्राण अपनी आत्मा प्रभु आपको समर्पित कर दें, आप हमारे जीवन में आए, हमें ग्रांट करें पिताजी, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाले से। और प्रभु धन्यवाद आपके बहुमूल्य वचन के लिए जिसे आपने हमें भोजन की तरह खिलाया प्रभु, और प्रतिदिन हमें जीवित रखने के लिए आपने अपना वचन दिया। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.